चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर क्लास 11 और चैप्टर नंबर 9 और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इसमें आपका चैप्टर चल रहा अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी के लिए T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 प्लस T24 225 है तो इसके 24 पदों का योगफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमने जो लाइन हमें गिवन है उसको लिख लिया हमने पहले। वो लाइन हमारी T1 T5 T10 T15 T20 T24 225 ये लिखी। इसका फार्मूला लिखा T1 की जगह लिखा A क्योंकि फर्स्ट टर्म है। T5 का फार्मूला ये लिखा हमने A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। T10 का फार्मूला ये लिखा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। T15 का A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। T20 का A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। T24 का A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 225। A यहाँ पे A ये आ गया 4D, A ये आ गया 9D, A ये आ गया 14D और जी ये आ गया A प्लस 19D, ये आ गया A प्लस 23D। A A A जोड़ दिया तो 6 A हो गया, D वाले जोड़ दिए तो 69D आ गया 225। 3 कॉमन आ गया 2A प्लस 23D इजिकल टू 225। 3 से काट दिया ये आ गया 75। 2A प्लस 23D इजिकल टू 75। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। हमें निकालना 24 को दो योगफल 24 बटे 2 2 से काट दिया फार्मूला में एन बाई टू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हम 24 पदों का योग निकाल रहे हैं तो एन की जगह हम 24 रखेंगे। एन की जगह 24 रख दिया ये आ गया 12। 2A प्लस 23D, 2A प्लस 23D की जो वैल्यू है हमारी इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू है 75। 75 की 12 से गुणा करिए आ गया 900। तो 24 पदों का योगफल आ गया 900। ये आंसर आ गया 13वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद 5 माइनस एन है तो इसके एन पदों का योगफल ज्ञात करो। तो हमने इसका एनवा पद दे रखा 5n-1। इसमें हमने एन की जगह लिखा 1 रख दिया एन की जगह तो आ गया 4। एन की जगह 2 रख दिया इसके अंदर तो आ गया 9। एन की जगह 3 रख दिया इसके अंदर तो आ गया 14। तो ये आ गया 4, 9 और 14। ये श्रेणी बढ़ गई, ये समानांतर श्रेणी आ गई। इसका प्रथम पद 4 है, डी का मान है 9-4=5 और एन पदों का योग निकालना तो एन की जगह एन आ गया। फिर ऐसा ही इक्वल टू एन बाई टू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बार को लगा दिया। एन बाई टू दूंगा तो ए का मान रख दिया 4 और डी का रख दिया 5। फिर इसको सोल्व कर दिया आ गया 8। ये आ गया 5n-5, 8 में से 5 गए 3 तो एन बाई टू 5n+3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कल को बताएंगे आपको।